हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुरुद्ध एमपी फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गोभी आलू मटर की मिक्स मसाला सब्जी बनाऊंगी, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी के लिए हमें लेनी है 2 मिर्चा और अदरक, और उसमें थोड़ा सा मैंने डाल लिया है मूँगफली और टमाटर। 2 टमाटर को मैंने इसमें डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद हम 2 कलछू तेल को गरम करेंगे। हमने थोड़ा सा हींग डाला है, उसमें 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें इसमें डालना है आलू और मटर। आलू और मटर को हमने धो डाल के रख लिया था, तो उसे हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को भी मटर 1 कप, आलू 2, गोभी 4-5 कली तोड़ के आपको बनाना है मटर आलू मिक्स मसाला गोभी के साथ। तो देखिए, पहले हम आलू को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तक। आलू हमारा जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम गोभी को ऐड कर लेंगे। गोभी को जब तक तो वो थोड़ा मुलायम नहीं हो जाता, थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता, तब तक हम उसे भी भून लेंगे फ्रेंड इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखिए, मेरी गोभी पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, गोभी आलू मटर पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, फ्राई होने पर उसमें हमने 1/2 चम्मच हल्दी डाला है, हल्दी ये देखिए 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया। फिर मैंने जो ग्रेवी बनाई थी वो हमें डाल देना, मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे उसे अच्छी तरह से चलाते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, 1 चम्मच लाल मिर्च डाला मैंने इसमें, उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। ये मैंने गरम मसाला डाला है कुछ 1/2 चम्मच, ये 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसे भी हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करना है, ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ऐड करना है हमें पानी, तो ये चिपक रहा था तो जलने लगे, तो थोड़ा सा पानी डालिएगा। आँख को आप धीमी आंच में ही रखिएगा, मध्य आंच में इसे बनाना है, तो कुछ इस तरह से अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए मिक्स कर लेंगे, देखिए, जब तक मेरा ग्रेवी अच्छी तरह से पक ना जाए, तो हम उसे कुछ 1 मिनट के लिए ढक्कन दे के उसे पकाएँगे। ये देखिए, ढक्कन दे के पका लिया था, अब इसे थोड़ा चलाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के चलाएंगे। ये देखिए, 1 कप पानी मैंने अभी ऐड किया है, जब तक हमारा सब्जी अच्छी तरह से पक ना जाए, गोभी आलू मटर अच्छी तरह से पक ना जाए, तब तक हम उसमें 1 कप मैंने पानी डाला है पकने के लिए। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी डाला है पकने के लिए, तो हम थोड़ी देर के लिए इसे फिर ढक्कन डाल के रख देंगे, कुछ 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेते हैं। ये देखिए, 2 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दिया था, देखिए कितनी अच्छी तरह से बन चुका है। ये है गोभी आलू मटर की मिक्स मसाला है, मसालेदार सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, बहुत ही कम समय में बनता है। ये देखिए, गोभी आलू मेरे बन चुके हैं मसालेदार, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड। ये देखिए, तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।